हाय, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको अक्सर उन कंपनीज के बारे में बताते रहते हैं जिन्होंने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया हो। आज भी हम आपको 7 ऐसी लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट जून में है। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसके एक दिन पहले तक अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स को बाई किया हो तो आप उस कंपनी से डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल होते हैं। अक्सर आप हेडलाइंस में देखते हैं कि किसी कंपनी ने 100%, किसी कंपनी ने 1000% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मगर जब आप उस डिविडेंड के अमाउंट को देखते हैं तो आपको लगता है अमाउंट तो बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो डिविडेंड हमेशा शेयर की फेस वैल्यू पर डिक्लेयर होता है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर पहली बार शेयर इशू किए जाते हैं, फर्स्ट टाइम। तो जब आप फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं डिविडेंड को तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है। अगर आपको बेटर पिक्चर चाहिए डिविडेंड के बारे में तो आपको डिविडेंड यील्ड के बारे में पता लगाना चाहिए। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसकी मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके। ये एक बेटर मेट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज को कवर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। हम इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी है टॉरेंट पार। टॉरेंट पार पार जेनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन बिजनेस में है। इस कंपनी ने 5.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसका डिविडेंड यील्ड 1.28% तक बनता है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट है 24 जून की, यानी कि 23 जून तक अगर इस कंपनी का शेयर आपके पास होगा तो ही आपको इसका डिविडेंड मिल पाएगा। दूसरी कंपनी है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स मेनली इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और ये एक मिड कैप स्टॉक है। टाटा केमिकल्स ने 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसकी डिविडेंड यील्ड 1.41% तक बनती है। इसका एक्स डिविडेंड डेट 14 जून का है। तीसरी कंपनी है निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। इसने 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसकी डिविडेंड यील्ड 1.44% तक बनती है। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट है 10th of June की। चौथी कंपनी है सुप्रीम पेट्रोकेम। सुप्रीम पेट्रोकेम अलग अलग तरह के पॉलीमर्स मैन्युफैक्चर करती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इस कंपनी ने 12.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसका डिविडेंड यील्ड 1.67% तक बनता है। इसका एक्स डिविडेंड डेट है 25 जून का। फिफ्थ कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील एशिया की सबसे पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है। इस कंपनी ने 25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसकी एक्स डिविडेंड डेट है 17 जून की। अपने करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड 2.26% का बनता है। सिक्स्थ कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और ये एक मिड कैप स्टॉक है। इस कंपनी ने 24 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसकी एक्स डिविडेंड डेट है 16 जून की और इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 2.27% तक। सेवेंथ कंपनी है BPCL। BPCL इंडिया की लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। BPCL के बोर्ड ने 58 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अप्रूव किया है। इसके हिसाब से इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 12.28% की। इस डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट अभी तक सेट नहीं हुई है, लेकिन BPCL की एनुअल जनरल मीटिंग में इस डिविडेंड के डिक्लेयर हो जाने के बाद ये 30 डेज के अंदर पे हो जाएगा। इसके पहले BPCL ने 21 रुपये पर शेयर का इंटरम डिविडेंड भी पे किया था। तो ये थी वो 7 कंपनीज जिन्होंने रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर किया है और जिनकी एक्स डिविडेंड डेट जून में है। ऐसे ढेर सारे डिविडेंड अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.